Hello, students. Welcome to my channel, School Online Twenty Four Seven. And today I'm going to describe Chapter Number Five from your Honeycomb book. And the chapter name is Quality. Quality means, in other words, we can say the quality meaning of the quality is a skill, capacity, caliber. And this chapter is written by Mr. John Glasworthy. and he was the famous playwright of the real realism of his time okay now i'm going to describe the chapter to so, so, chapter ka dusra naam hai क्वालिटी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गुण या योग्यता तो इस चैप्टर में ग्लासवर्दी ने एक शू मेकर है जिसका नाम है गैसलर और वो अपने एरिया में अपने जो उसका रहने की जगह है लंदन में वहाँ पर सबसे अच्छे जूते बनाता मतलब उससे सुपीरियर क्वालिटी के बेस्ट क्वालिटी के जूते कोई नहीं बना सकता उस जगह पर तो उसकी क्वालिटी को कैसे उन्होंने दिखाया है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है इसको अच्छे से सुनिए और ध्यान से देखिए ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माय एक्सट्रीम यूथ मिस्टर बिकॉज ही मेड माय फादर्स बूट ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप व्हिच वाज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन यहाँ पर आपके ऑथर हैं गलासवर्दी उन्होंने बताया है कि वो उसे जानते थे उसे यानी उस शू मेकर को जो कि लंदन के गली के फैशनेबल पार्ट में रहता था और वो उसे कब से जानते थे जब वो एक्सट्रीम यूथ यानी बहुत छोटे थे बहुत बचपन से वो उसे जानते हैं क्योंकि वो बनाया करता था उनके फादर के बूट्स उनके फादर के शूज़ और वो रहता था अपने एल्डर ब्रदर के साथ कहाँ पे उसकी शॉप पर ये बात किसी कर रहे हैं चलिए देखते हैं आगे और इसकी शॉप कहाँ पर थी उनकी उनकी शॉप लंदन की एक छोटी सी गली में थी जो कि लंदन का सबसे फैशनेबल पार्क माना जाता था ऐसी जगह पर उस बूट मेकर की शॉप थी the shop had a certain quite distinction distinction means quality or speciality there was no sign upon it other than the name of gessler brothers in the window a few pairs of boots he made only what was ordered and what he made never failed to fit it made boot such boot as he made seemed to me then एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय और वंडरफुल मीन्स सरप्राइज जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक हो इनको ले जाओ आके उस शॉप की एक अलग सी ही विशेषता थी क्वालिटी थी क्या कि उस पर कोई तरीके का साइन बोर्ड नहीं था वहाँ पर केवल केवल गैसलर ब्रदर के नाम का साइन बोर्ड था एंड और कुछ विंडोज़ पे जूते रखे हुए थे कुछ जो सब सबसे अच्छी क्वालिटीज़ के बूट्स हुआ करते थे वो रखे हुए थे ही मेड ओनली वॉज ऑर्डर और वो वही जूते बनाते थे जिनका उन्हें ऑर्डर मिलता था कि आपको ये जूत बना जूते बनाने, बनाने बूट्स बनाने और ऐसे ऐसे बनाने तो वो उसी टाइप के बूट्स अपने कस्टमर्स को देता था और जो बूट वो बना करके अपने कस्टमर्स को देता था वो कभी भी फेल नहीं होते थे मतलब एक कभी भी उनसे उनके कस्टमर होपलेस नहीं होते थे और वो ऐसे बूट्स बनाते थे जो दिख जो वास्तव में दिखते भी मजबूत थे और बहुत ही आश्चर्यजनक होते थे और वो काफी लंबे समय तक चलते थे I remember my shy remark. मुझे याद है मेरा शर्मसार कर देने वाला शाही में होता है जिससे शर्मिंदगी हो ऐसा रिमार्क ऐसे लक्षण मुझे याद है एक दिन की बात है वाइल्ड स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट जब मैंने उनके सामने अपने सारे यूथफुल फुट मतलब होता है जब वो बहुत छोटे थे और उस समय उन जूतों को पहनते थे ऐसे जूतों को उन्होंने उसके सामने गैसलर के सामने फैला के रखा हुआ था स्ट्रेच करके रखा हुआ था इज नॉट इट ऑबेफुल हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर उन्होंने कहा कि क्या ये अब वैसे ही हार्ड नहीं है मिस्टर गैसलर एंड हिज आंसर गिवेन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज ब्रेड इट इज एन आर्ट कि जब कस उनके ऑथर ने पूछा कि आप क्या ऐसे ही मजबूत जूते आप मुझे बना के दे सकते हैं तो उन्होंने स्माइल करके कहा उसकी जो रेडनेस में जो लाल रंग की उनकी दाढ़ी जो थी ब्रेड जो थी दाढ़ी वो उन्होंने रेड कलर की मेहंदी से रंगा हुआ था और उन्हें उस मेहंदी के दाढ़ जो मेहंदी का कलर था वो उनकी दाढ़ी पर दिख रहा था और चमक रही थी उनकी दाढ़ी और उसके नीचे से उनके जो लिप्स थे उस पर स्माइल को सीधे साफ देखा जा सकता था तो गैसलर की स्माइल को ऑथर ने नोटिस किया और गैसलर ने क्या कहा देखिए ये जो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं ये जर्मन लैंग्वेज है ये इट इज एन आर्ट ये जर्मन लैंग्वेज में गैसलर ने कहा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो उन्होंने कहा कि ये एक कला है It was not possible to go to go him very often. His boots latest, sorry, lasted having something. ऐसा इसलिए था लास्टेड ट्रिबली मीन्स होता है जो लंबे समय तक चले यानी उनके जो शूज वो मुझे एक बार दे देते थे वो टूटते ही नहीं थे कि मैं उनके पास लेने के लिए कुछ और जल्दी जाऊ नेग्राफ बियॉन्ड द टेम्प्ररी समस ऑफ बूट्स स्टिच इन टू दैम और जो टेम्प्ररी दिखते थे जो जूते होते थे उनके टेम्प्ररी दिखने से भी कहीं ज़्यादा बेहतर होते थे मतलब वो जल्दी टूटते ही नहीं थे और उनकी जो खुशबू थी जूतों की एसेंस मीन्स खुशबू जो थी फ्रेग्रेंस जो थी वो उनकी सिलाई पर हम अच्छे से देख सकते थे वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप एक बार उनकी दुकान पर जो चला गया उसे किसी और दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बट ट्रेसफुली वहां पर बहुत आराम मिलता था एज एंटर्स ऐसा लगता था जैसे कोई चर्च के अंदर एंट्री कर चुका हो जब भी उनके शॉप में जाता था कोई यानी ये फीलिंग अपना ऑथर आपके साथ शेयर कर रहा है एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड मैं भी गया और मैं जाकर के बैठा था वहां पर सिंगल लकड़ी की बनी हुई चेयर थी और उनका इंतजार करने लगा मिस्टर गेस्लर का अ गटरड साउंड गटर मींस हार्श एंड सम स्प्रिंग साउंड कुछ अजी अजीब सी आवाज आई एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट और वहां पर मैंने देखा कि एक लकड़ी की स्टेयर बनी थी सीढ़ी थी और उस पर कुछ चप्पलों की आवाज आई थी उन्होंने उन्होंने पहनी हुई थी और वो नीचे उतर के आए थे पतली या बहुत ही सकरी सी सीढ़ी थी बहुत जिसपे ज्यादा स्पेस ना हो ऐसी स्टेर थी और मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने बिना कोट के एक आदमी खड़ा हुआ था वो आदमी कौन था पहले तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताएंगे अ लिटिल बैंड लिटिल बैंड मीन थोड़ा सा झुका हुआ

वेंस ही और बिना एक शब्द बोले वहाँ से चले गए और वहीं चले गए जहाँ से वो आए थे और इन टू पोर्शन ऑफ या तो फिर किसी और पोर्शन में किसके उस शॉप के दूसरे पोर्शन में वो चले गए थे आगे देखिए एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ ट्रेड हिस्स ट्रेड और मैं दोबारा से रेस्ट करने लगा आराम करने लगा उसी लकड़ी की कुर्सी पर इनहेलिंग मतलब होता है स्मेल करना इनक्रीज इंसेंस लेना उस खुशबू को मैं ले रहा था उस जो कि उनके बिज़नेस की थी यानी शूज़ की जगह जहाँ पर शूज़ सैंडल्स वग़ैरह होती हैं तो अगर आप जाते हो तो आपने तो आप तो ख़ुद भी फील किया होगा कि वहाँ अलग से स्मेल होती है खुशबू होती है तो वही इस्मेल वो, वो वहाँ पर फील कर पा रहे थे Soon he would come back, और जल्दी ही वो आएंगे गोल्डन ब्राउन कलर का था विथ आईज फिक्सड ऑन इट ही वुड रिमार्क और उनकी आंखें उस टुकड़े पर फिक्स थी बिल्कुल जमी हुई थी वो कह रहे थे वॉट अ ब्यूटिफुल बीस ये आपका जर्मन लैंग्वेज में है वो क्या कहना चाहते थे कि कितना सुंदर पीस है व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस वेन आई टू हैड इट और उसके बाद मैंने भी उसे एडमायर किया ही वुड स्पीक अगेन उन्होंने दोबारा कहा वेन डू यू वांट देम आखिर तुम्हें कब ये जूते चाहिए वेन डू यू वॉन्ट दैम एंड आई वुड आंसर और मैंने उनको उत्तर दिया आंसर दिया एस oh,

और अगर दुकान पर मैं ना मिलूँ मेरा बड़ा भाई मिला तो तुम जरूर उससे पूछ लेना मेरे बड़े भाई से पूछ लेना उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके बड़े भाई से बात कर लूँगा देन आई वुड मोमा उसके बाद मैं धीरे से मोमा मीन सुधा बन बनाया थैंक्स फॉर थैंक यू और उन्हें तो शुक्रिया कहा गुड मॉर्निंग गैसलर गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड और उन्हें भी मुझे विश किया गुड मॉर्निंग और उसके बाद वो अपनी लेदर को यानी उस चमड़े को लगातार देखते गए एंड एज ही मूव टू डोर और उसके बाद वो मुड़ गए डोर की ओर आई वुड हीयर टिप टैप ऑफ ए स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर टू द ड्रीम्स ऑफ बूट और मैं सुन पा रहा था उनके चप्पलों की आवाज़ों को जो कि धीरे धीरे चलते वो स्टेयर्स के ऊपर जा रहे थे उसी जगह पर जहाँ से वो आए थे दोबारा से अपने सपनों में खोने के लिए तो तो ये था आपका चैप्टर नंबर फाइव का पार्ट वन और आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर पार्ट वन वेरी वेल और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताइए वीडियो को शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो